हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। सेकंड राउंड काउंसलिंग आप लोग की चल रही है, ठीक है, लेकिन बच्चों के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। क्या स्कैम हो रहा है, मैं इस पर बात करने वाला हूँ, बाकायदा प्रूफ के साथ मैं बात करने वाला हूँ। इतना बड़ा आप लोग को धोखा दिया जा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के नाम से कि आप लोग कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। क्या क्या धोखा दिए जा रहे हैं आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग के आंसर की में आपको धोखा दिया गया, ठीक है, फिर रिजल्ट में दिया गया, उसके बाद फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में दिया गया, फिर आप लोग की फीस में दिया गया, उसके बाद जो बच्चे नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग दिखा रहा उनके साथ धोखा हुआ, और बहुत बच्चों के साथ अलॉटमेंट लेटर में भी धोखा हुआ है, ठीक है। बहुत बच्चों को सीट नहीं अलॉट हुई है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रूफ दिखाना चाहूँगा कि आखिर क्या क्या आप लोग के साथ धोखे हो रहे हैं। तो आंसर की का और रिजल्ट का आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा, मैंने बताया भी था कि आप लोग के नंबर कम होके आ रहे हैं, ठीक है। और बात रही फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की, ठीक है, और रही बात फीस की, और रही बात आप लोग के नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग जिसका दिखा रहा है, और अलॉटमेंट लेटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। इन चीज़ों चारों पांचों चीज़ों में जो आप लोग का स्कैम हो रहा है वो ऐसा स्कैम हो रहा है कि आप लोग को जानना ज़रूरी था। मैंने अभी तक आप लोग को नहीं सोचा, बताना सही नहीं होगा, लेकिन अब ABBMU हद ही पार कर रहा है अपनी सारी, तो मैंने सोचा आप लोग तक ये वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी दे दी जाए कि क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा फीस पे कि बहुत बच्चे कह रहे हैं कि फर्स्ट राउंड जो बच्चे कराए हैं, ठीक है, और जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है उनके 500 रुपीस नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन बहुत बच्चों के साथ नहीं फॉलो हो रही, कुछ ही बच्चों के साथ फॉलो हो रही है, बहुत बच्चों को 500 रुपीस देने पड़ रहे हैं। तो मैं आप लोग को बाकायदा प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ जिसमें कि कोई बच्चा ये ना कहने पाए कि आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आप लोग को प्रूफ के तौर पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे अटल बिहारी वाजपेयी की मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इस पर जब आप जाएंगी तो यहीं पे आप लोग का सीनेट वाले पे क्लिक कर देना है। जब क्लिक कर देंगे सबसे पहले मैं आप लोग को फीस के बारे में दिखाने वाला हूँ, जो रजिस्ट्रेशन फीस लग रही है बहुत बच्चों में नहीं लग रही है, तो इसका मैं आप लोग को प्रूफ वगैरह दिखाने वाला हूँ कि बहुत बड़ा स्कैम आपके साथ किया जा रहा है। आप जब आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, सबसे पहले मैं उस बच्चे को दिखाने वाला हूँ जिसकी फीस नहीं लग रही है, ठीक है। अब मैं उसका दिखा देता हूँ, सबसे पहले इस बच्चे का दिखा देता हूँ आपको। देखिए, इस बच्चे को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं अलॉट हुआ था, आप लोग को दिखाना भी चाहूँगा क्योंकि आप लोग ऐसे नहीं मानते हैं। फर्स्ट राउंड में देखिए कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि काफ़ी लोग कहेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरा है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस बच्चे को सीट नहीं अलॉट हुई है, और यहाँ पर देखिए इसकी चॉइस फिलिंग भी हुई थी, जो कि आप लोग को ये भी मैं दिखा दूँ, अन्यथा आप लोग भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है। ये चॉइस फिलिंग थी, ठीक है इसकी, और इसे सीट अलॉट नहीं की गई फर्स्ट राउंड में, ठीक। और इसका क्या हुआ कि अब जो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसके में ध्यान दीजिएगा, जब सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसके में फीस पेमेंट ऑलरेडी दिखा रहा है, यानी कि जो 500 रुपीस पढ़ना है वो उसके में ऑलरेडी कंप्लीटेड दिखा रहा है, पेड दिखा रहा है और फिल्ड दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि इसके में सारी चीज़ें कंप्लीट दिखा रहा है। अब आप लोग कहेंगे इसने पेमेंट पहले ही कर दिया होगा, तो पेमेंट इसने नहीं किया है, बल्कि इसने सिर्फ चॉइस फिलिंग को ही किया है। आप लोग को मैं रिसिप्ट भी दिखाना चाहूँगा, यहाँ आपसे देख लीजिए, आप लोग के सामने है रिसिप्ट, आप लोग देख लीजिए। कैलिकेट ट्रांजेक्शन डेट कैलिकेट 27/6/2024 19:03 2023, ठीक है। तो आप लोग टाइम और डेट भी यहाँ पे देख सकते हैं, सक्सेस किस वक्त ट्रांजेक्शन हुआ था, ये 27 तारीख यानी कि फर्स्ट राउंड में इस बच्चे ने काउंसलिंग कराया था, तब इसको रजिस्ट्रेशन 5,500 रुपये सबमिट किया था। वही फीस आप लोग को यहाँ पर देखिए स्कीम में इंक्लूड हो रही है 500 रुपीस। और वही पे मैं आप दूसरे बच्चे दिखाना चाहूँगा जिसने फर्स्ट राउंड में कराया था लेकिन उसे कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, फिर भी इस राउंड में उससे फीस 500 ली जा रही है, मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, मैं रुकिएगा, मेरे पास काफ़ी बच्चों के प्रूफ हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बच्चे का है, इसे भी मैं दिखा दूँ। फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, देख लीजिए आप लोग, रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है, और इस बच्चे को सीट कोई अलॉट नहीं हुई थी,
इसने भी फर्स्ट राउंड में कब पार्टिसिपेट किया था, यहाँ मैं आप लोग को चॉइस फिलिंग भी दिखा दूँ, चॉइस फिलिंग भी आप लोग देख लीजिए। टोटल इन्होंने 23 कॉलेज फिल किया था, सारे गवर्नमेंट फिल किया था, इनको कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ। आपको रिसिप्ट भी इसकी दिखाना चाहूँगा जो किसने पेमेंट किया था 26/6/2024 को, ठीक है 15:24:42 पर इन्होंने पेमेंट किया था फर्स्ट राउंड में, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को क्या दिखाने वाला हूँ, अब इस बच्चे का सेकेंड राउंड का दिखाने वाला हूँ। जब आप सेकेंड राउंड पे इसके क्लिक कर रहे हैं, देखिए आप लोग क्या दिखा रहा है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर का ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर वही है, ठीक है ये देख लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, काउंसलिंग स्टेटस नॉट रजिस्टर्ड पेंडिंग, ठीक है, और फीस रजिस्टर्ड फीस स्टेटस नॉट पेड पेंडिंग, और यहाँ पे काउंसलिंग चॉइस फिलिंग पेंडिंग दिखा रहा है। और इसके में क्या करना, क्लिक है रजिस्टर पे, जब क्लिक करेंगे तो इससे पेमेंट लिया जा रहा है सीधा सीधा, मैं आप लोग को दिखा भी दूँ, देख लीजिए यहाँ पे जब एक क्लिक करेगा, ठीक है, तो इससे 500 रुपीज़ पेमेंट के तौर पे लिया जा रहा है रजिस्ट्रेशन के फीस के तौर पे। तो ये सबसे पहला स्कैम ये हो गया बहुत बड़ा, ये बहुत बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत बच्चों के साथ नहीं है, ठीक है, तो ये मान के चल सकते हैं कि बहुत बड़ा स्कैम ये है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा एक बच्चे का, और काफ़ी बच्चों ने मुझे भेजा भी कि उनका जो यहाँ पर रिजल्ट शो हो रहा था सेकेंड राउंड में रिजल्ट नहीं शो हो रहा था, जब सेकेंड राउंड काउंसलिंग आप लोग की स्टार्ट हुई तो उनका रिजल्ट नहीं शो हो रहा था यहाँ पे, और उनको नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग बता रहा था। मैं आप लोग को दिखाना भी चाहूँगा प्रूफ के तौर पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ एडमिट कार्ड आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आंसर की आ रहा, ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई सेकेंड राउंड काउंसलिंग दिखा रहा, और यहाँ पे फर्स्ट राउंड में इसने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन यहाँ पे इसके जो रिजल्ट का सेक्शन है उसको यहाँ पे नहीं रखा गया, उसको हटा दिया गया। जबकि इस बच्चे के नंबर में बता दूँ आप लोग को 127 नंबर इस बच्चे के आ रहे हैं, ठीक है 127 नंबर आ रहे हैं, लेकिन इनका इसका रिजल्ट हटा दिया गया था, लेकिन जब इन्होंने बात किया तो जाके वहाँ से कोई सुधार किया गया, फिर इसका रिजल्ट को यहाँ पे शो किया गया, ठीक है। तो ये आप लोग के सामने स्कैम हो रहे हैं, ए बी बी एम यू कर रहा, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं जो कि आप लोग का अलॉटमेंट लेटर को लेकर है, उस पर बात कर लेते हैं। तो हमने बात कर लिया कि आंसर की का स्कैम, ठीक है, रिजल्ट का स्कैम कि रिजल्ट नहीं शो कर रहा था सेकेंड राउंड में, ठीक है, और उसको नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग दिखा रहा था। तो दो स्कैम हो गए आपके। और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो आपका सीट अलॉटमेंट हुआ है वो इस तरह अलॉटमेंट हुआ है कि आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है, कि देखिए जिन बच्चों के नंबर अच्छे आ रहे हैं उनको सीट कोई अलॉट ही नहीं हुई है, ठीक है, और सारी सीटें गवर्नमेंट फिल भी हो गई हैं। तो किस तरह पॉसिबल है आप लोग खुद ही कोई विचार कीजिए, ठीक है। और रहा बात फीस की, तो 500 रुपीज़ बहुत बच्चों को पड़ रहा है, बहुत बच्चों को क्या, बहुत कम ही बच्चों को नहीं पड़ रहा है, लगभग बच्चों को पड़ रहा है 500 रुपीज़। बहुत बच्चों ने पेमेंट कर दिया है, ठीक है, तो पेमेंट जिन्होंने कर दिया है बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगर कुछ भी होगा, ठीक है, तो आप सभी के लिए जो 500 पेमेंट किया है अगर आपने अपने अकाउंट से किया तो आपके अकाउंट में रिफंड कराया जाएगा। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग इस आवाज़ को ज़्यादा ए बी एम तक पहुँचाएँ और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग बच्चों का दिखा रहा है, ठीक है, उन बच्चों के नंबर में बताऊं तो एक बच्चा जनरल से है, ठीक है, उसके 65 नंबर हैं, और एक बच्चा एससी से है उसके भी 65 नंबर हैं। दोनों बच्चे नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग कैसे हो सकते हैं? अगर जनरल का नॉट क्वालिफाई है तो एससी को क्वालिफाइड करना चाहिए था इतने पे, ये तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर एससी का बच्चा 65 पे नॉट क्वालिफाइड है तो फिर किस तरह का एक काउंसलिंग हो रही है। तो दूसरा स्कैम है, तीसरा स्कैम ये आप लोग का हो गया, ठीक है। और रहा सबसे बड़ा स्कैम जो कि है छठा अलॉटमेंट लेटर का, तो मैं इसको आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। जो आपका अलॉटमेंट हो रहा सीट का, ठीक है, इसमें बहुत बड़ा स्कैम है, इसमें बहुत बड़ा स्कैम ये है कि देखिए जिन बच्चों के 147 नंबर हैं, जिन बच्चों के 153 नंबर हैं, जिन बच्चों के 148 नंबर हैं, ठीक है, यानी कि 140 प्लस जिन बच्चों के नंबर हैं, ठीक है, उनको कोई गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट राउंड में नहीं मिला और सीटें सारी लगभग फुल होती हुई नज़र आ रही हैं, और 153 पे किसी बच्चे को भी पीजीआई जैसा कॉलेज नहीं मिला,
ठीक है, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, सारी सीटें फुल हो गईं और 148 पे बच्चे को किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। ठीक, यहाँ तक मैं बताऊँ आप लोग को कि KGMU में आप लोग को दिखाऊँ तो KGMU में 110 सीटें थी, ठीक, जिसमें से 10 सीटें मात्र बची हुई हैं आप लोग की, 100 सीटें भर गई हैं और किसी बच्चे का अभी तक मुझे अलाटमेंट डेटा नहीं दिखा कि किस किस बच्चे को कौन सीट अलॉट हुई है। तो ये मान सकते हैं कि किस तरह का स्कैम आप लोग के साथ किया जा रहा है। मैं आप लोग को ओपनली तो नहीं बता सकता हूँ क्या स्कैम हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि 110 सीटें थी, ठीक, जिसमें कि 10 सीटें बची हैं फर्स्ट राउंड में ही, ठीक है, सेकेंड राउंड के लिए बची हुई हैं। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 सीटें आखिर कहाँ गई। अगर किसी बच्चे को मिलती हैं तो देख, मैं आप लोग को बता दूँ, अगर सीट अलॉट होती KGMU की, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 110 सीटें थी, ठीक है, तो अगर अलॉटमेंट होता सही तरीके से तो SC के बच्चों को यहाँ पे, मैं आप लोग को बता दूँ, 135 तक KGMU मिल जाता, ठीक है। वही ST के बच्चे को यहाँ पे आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे 130 पे नंबर पे KGMU मिल जाता, सेकेंड राउंड तक मिल जाता, ठीक है, फर्स्ट राउंड में नहीं तो सेकेंड राउंड में मिल जाता। और यहीं पे जनरल के बच्चे को 140 पे अलॉट हो जाती सीट, लेकिन किसी को भी 140 150 पे किसी को नहीं अलॉट हुआ है। यहाँ तक मैं बता दूँ, जिन बच्चों के 153 नंबर हैं, ठीक है, नंबर हैं, उनको भी सीट नहीं अलॉट हुई है KGMU। तो आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि किस बच्चे को सीट इन्होंने दिया है, कैसे दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि मेरी आवाज़ काफ़ी लोग तक पहुँचे, और आप उससे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ का सपोर्ट करें, अन्यथा आप लोग को कोई भी सीट नहीं अलॉट होगी, ठीक है, आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी और आप लोग ऐसे ही रह जाएंगे। तो आप लोग को मैं कहना चाहूँगा, आप लोग का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग का दायित्व बनता है कि वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अन्यथा आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे और आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी, यहाँ तक प्राइवेट भी नहीं अलॉट होगी, ये भी बता रहा हूँ। गवर्नमेंट की तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट भी नहीं मिलेगा आपको कोई कॉलेज अगर आप इस बात को उठाएंगे नहीं। जो आप लोग के 2-3 स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पता नहीं किस तरह अलॉटमेंट लेटर जारी हो रहा है, ठीक है, अलॉटमेंट रिलीज की बात करें, ठीक है। और आप लोग का दूसरा चीज़ है फीस पेमेंट का जो हो रहा है, ठीक है, और तीसरा जो बच्चों, बहुत बच्चों का रिजल्ट नहीं शो हो रहा था, ठीक, उन चीज़ की 3-4 स्कैम बहुत बड़े बड़े आप लोग के साथ हो रहे हैं। ये सीधा आप लोग की सीट अलॉटमेंट से रिलेटेड है, तो आप लोग इस पे आवाज़ उठाइए, वीडियो को ज़्यादा मेरे शेयर कीजिए, मैं आप लोग से इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिसमें कि आप लोग की आवाज़ सही जगह तक आप लोग की आवाज़ पहुँचे और आप लोग के साथ जस्टिस हो, ठीक है। मैंने इसे सिर्फ बताया था कि आंसर की में आप लोग की काफ़ी गड़बड़ी पाई गई, तब काफ़ी लोगों ने इस पे आवाज़ उठाई थी, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें जिसमें कि रियलिटी आप लोग की सामने आए, जो आप लोग के सामने साथ धोखा हो रहा है उसको कम किया जाए और आप लोग के साथ जस्टिस हो, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद जय भारत।